हेलो बच्चों, वेलकम यू टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम हट अकेडमी, एग्जाम हट चैनल। तो बच्चों, यहां अब हम करेंगे जीरो से लेके हीरो बनने तक की कहानी, चाहे वो फील्ड हो फिर आपका आईआईटी का, चाहे वो फिर फील्ड हो आपका नीट का, और चाहे वो फिर आपका फील्ड हो वो आपका किसी भी स्टेट बोर्ड्स का। कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की डेली क्लासेज आएंगी, डाउट सेशंस होंगे, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए, इंट्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी पढ़ाई है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको बायोलॉजी, और मेरा नाम है राहुल वर्मा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा एक बेसिक सा, इंपॉर्टेंट सा और लाजवाब सा टॉपिक, जिसका नाम क्या है बेटा, सेल। और उस टॉपिक को कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी, जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लगभग 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 6-7 क्वेश्चन आपके आते रहते हैं नीट के अंदर। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आपका कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा ज्यादा। इतना मेरे को फिर प्रोमिस 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 से बढ़िया है बेटा, आप कुछ प्रैक्टिकली देखो। एक बार आप कंटिन्यूटी बनाओ, फिर किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लगाओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी, क्या आपका सेल बायोलॉजी। ठीक है जी, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक धर्म, एक कर्म, एक रूल बता देता हूं। कोई वर्ड समझ में ना आए तो वर्ड को फोड़ डालो, तोड़ डालो, उसका मतलब अपने आप आगे आ जाएगा। देखो जी, सेल बायोलॉजी को हम अगर दो पार्ट में तोड़े तो सेल हो गया बेटा अलग, और बायोलॉजी हो गया आपका अलग। फिर बायोलॉजी बोला सर जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, आज पहला लेक्चर है तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। वर्ड का मतलब ही मान लो, सब्जेक्ट का मतलब ही मान लो, क्या बायो प्लस लॉजी। क्या मतलब हो गया बेटा? बायो प्लस लॉजी। और बायो का मतलब आपका क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और साथ में आपका क्या रह गया बेटा? स्टडी। क्या रह गया? स्टडी। तो लॉजी का मतलब क्या आ गया जी? स्टडी। बायोलॉजी का मतलब क्या निकला? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमको कुछ नहीं करना, हमको सेंटेंस से सेंटेंस, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने की आदत को अजमाना है, जिससे आपकी एक क्वालिटी बन जाएगी, वो क्या है? ना रटने की। अगर क्रैमिंग नहीं करोगे, रटोगे नहीं, तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर होगा, तो क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। ये क्या है जी? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा क्या होता है? प्रैक्टिकली सोच के देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ग्रोथ हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये मतलब सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। बोला ये कैमरा है, ये कैमरा खाना थोड़ी खाता है, मैं खाना खा रहा हूं, तो न्यूट्रिशन एक फीचर हो गया। मैं सांस ले रहा हूं, ये सांस नहीं ले रहा है, कौन? कैमरा। तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। वैसे तो बेटा कोई भी बंदा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हजारों डिफरेंस बता देगा आपको, लेकिन हमको क्या करना है? बेसिक डिफरेंस से लेके हाई लेवल के डिफरेंस तक लेके जाना है, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन फूट जाए। देखें अब क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? वो है लिविंग सेल का। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिविंग सेल होता है, किसी भी डेड ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी डेड थिंग्स के अंदर कोई भी लिविंग सेल नहीं होता है। मतलब क्या बेटा? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? सेल है। इसीलिए इस टॉपिक को क्या बोला गया जी? सेल बायोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सेल से बने होते हैं। क्या बोल सकता हूं? दोज आर मेड अप ऑफ सेल। दोज आर मेड अप ऑफ सेल। नोट्स के लिए एक बात बता दूं बेटा, बायो के अंदर नोट्स को कोई ताजमहल की तरह सजाना नहीं है। जितने काले नोट्स होंगे, एनसीईआरटी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी आप ये लगा लो, जितनी काली होगी उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के पास होंगे। साफ सुथरी बुक्स रखने का, कॉपी रखने का, मैं कहता हूं कॉपी को पढ़ने का मन करे ऐसी कॉपी बनाओ अपने हिसाब से, चाहे उसमें हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, फारसी में लिखो। आई बात समझ में? ये देखो सीधी सी बात होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? जो सेल से बना हुआ है।
ठीक है जी। बोला जी सेल से तो बना हुआ है, पर कितने सेल से बना हुआ है? शाबाश, तो क्या आ जाएगा बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि बेटा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल तो प्रेजेंट है, लेकिन कितने सेल प्रेजेंट है इस चीज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर के बेसिस के ऊपर बेटा ऑर्गेनिज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बोला सर कौन कौन से पार्ट? अभी अभी हिंदी में तो हमने बात कर ही ली। क्या बात कर ली? या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है, या बेटा ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? एक सेल से ज्यादा से बना हुआ, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, या फिर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स आर कॉल्ड एज बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोला सर ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन थोड़ी आएगा नीट में। हाँ जी नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। तो यूनिसेलुलर एग्जाम्पल आपको क्या क्या याद रखना है बेटा? याद करके एक तो अमीबा, और एक इसके साथ साथ बेटा डाई एटम्स। क्या? डाई एटम्स। वैसे बेटा मोर देन वन सेल क्या होता है? जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं जी? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसका एग्जाम्पल क्या है लगा लो? ह्यूमन। जो हम हैं वो कितने सेल से बने हुए हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ही हैं हम, लाखों मिलियन सेल्स हैं, तो हम क्या हो गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसी के साथ बेटा स्टार्ट करते हैं एंड बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेल। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या आ जाएगा जी? ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर क्या है बेटा? सीधी सी बात है, सबसे पहले आता है कि भाई साहब ये सेल क्या होता है, ये सेल क्या होता है। देखो सुनो बेटा मेरी बात, मैंने यहां पे बताया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के कर दिए? दो टाइप के। या तो ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, और या फिर एक से ज्यादा है। इससे साफ साफ बेटा ये दिख रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता जिसके अंदर एक सेल से भी कम होता है कुछ। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो आधे सेल का हो, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो पौने सेल का हो, सवा सेल का हो। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए? एक सेल। क्या है? एक सेल। तो बेटा सीधी सी बात है, जो आपकी एक सेल है उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकती है? देखो आधा सेल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता, लेकिन एक सेल, अगर एक सेल है पूरी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकती है। मतलब उस एक सेल के अंदर आत्मनिर्भरता के साथ, इंडिपेंडेंसी के साथ जीने का क्या है बेटा? तजुर्बा है। तो सबसे पहले बेटा एक सेल क्या होता है? सेल क्या होता है जिसका सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? बोला सेल एक ऐसी वो चीज है जिसके अंदर क्या होती है बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या होती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो इंडिपेंडेंट, बिना किसी पे डिपेंड करे क्या कर सकती है बेटा? एग्जिस्ट कर सकती है। तो वो क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरी बात जब करते हैं बेटा सेल की, बोला सर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो हो गया, लेकिन बेटा बेसिक फंक्शन तो करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, आपका एग्जाम्पल ले लो, हमारे अंदर बेटा क्या होता है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है। मेरा खाना पचाने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है, खून को दौड़ाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, ऐसे ऐसे हाथ हिल रहे हैं, इसको स्केलेटल सिस्टम काम कर रहा है। मानते हो हर एक सिस्टम अलग अलग फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर सेल से मिलके क्या बना है? टिश्यू। लगा लो बेटा एक बार, सेल से मिलके क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से मिलके क्या बना है जी? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके क्या बना है जी? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बना है जी? कंप्लीट बॉडी। क्या बना है? कंप्लीट बॉडी। अब मेरी बॉडी के अंदर बेटा अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो अलग अलग काम कर रहे हैं, काम चल गया ठीक है जी। लेकिन अगर बात की जाए किसकी? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर तो भाई साहब के अंदर सेल ही एक है। क्या
क्या टिश्यू बनेगा, क्या ऑर्गन बनेगा, क्या ऑर्गन सिस्टम बनेगा, उसके अंदर तो बेटा उस एक सेल को ही सारे के सारे फंक्शन करने पड़ेंगे। तो उस एक सेल के अंदर पावर होती है सारे के सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की। तो सेल का बेटा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। आई बात समझ में? ये हो गया जी आपके सेल के बारे में। आई बात समझ में? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपने 8th-9th में पढ़ लिया होगा, लेकिन बेटा जब जीरो से स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा रिवाइज आउट कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपने देखा होगा बेटा, कुछ ऐसा सा होता है सेल, उसके अंदर कुछ ऐसा सा होता है, कुछ उस ऐसे से को हम क्या बोलते हैं जी, न्यूक्लियस। और ये कंप्लीट क्या है बेटा, आपका सेल। भैया सीधी सी बात है, बाहर की बाउंड्री को मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल की बाहर की बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाहर की बाउंड्री है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेटा ये सेल के बाहर की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन। और जो ये न्यूक्लियस के बाहर की बाउंड्री है इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी जितना भी एरिया बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही बेटा एक ऐसा एरिया है जहां पे सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है। नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है क्या, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ऑप्शन में आ गया न्यूक्लियस, आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, आ गया साइटोप्लाज्म, आ गया नन ऑफ द अबव आ गया। तो आप किसको टिक करोगे, साइटोप्लाज्म को। मैं यहां पे लिख भी देता हूं याद रखने के लिए, क्या मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है जी, अब आप मांगोगे जवाब प्रूफ। मैंने कहा था ना साइंस के अंदर कभी क्यों रुकेगा नहीं, तो पेपर अटकेगा नहीं। क्यों को नहीं रुकने देना है, क्यों क्या बोला सर आपको ये सब कैसे पता, हमको पढ़ाए जा रहे हो, आप क्या साइंटिस्ट हो ना? मैं तो नहीं हूं, लेकिन बेटा कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन चीजों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया था। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, सेल डिस्कवरी। क्या, सेल डिस्कवरी। बेटा सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो जिंदा सेल की नहीं, वो किसकी हुई थी, मरे हुए सेल की हुई थी। मरे हुए को क्या बोलते हैं, डेड। और मरे हुए सेल को हम क्या बोलेंगे बेटा, डेड सेल। क्या बोलेंगे, डेड सेल। जब मरे हुए की डिस्कवरी हो गई तो उसके कुछ टाइम बाद किसकी डिस्कवरी हुई थी बेटा, लिविंग सेल की। किसकी डिस्कवरी हुई थी, लिविंग सेल। क्लियर है भाई बच्चों इतनी बात। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है बेटा, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की। इसके एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, आपकी पेंट के अंदर हुक है बेटा, आपकी पेंट के अंदर हुक है, जब ही तो वो पेंट की जगह ही है, वरना तो समझ रहे हो ना। अब पेंट के अंदर जो हुक है वो बटन है, उसको सोच के देखो, वो लिविंग है या डेड है। वो सांस ले रहा है, वो खाना खा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा बेटा, वो क्या है, डेड है। तो आपकी पेंट के अंदर जो हुक है वो क्या है, क्या है, डेड। क्या है, डेड। तो बेटा डेड क्या है, हुक। क्या है ये तो ध्यान रख सकते हो, हो गया ना साइंटिस्ट का नाम याद। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा जी, रॉबर्ट हुक। इस तरीके से याद रखेंगे ताकि रटना ना पड़े। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, बोला सर ये तो याद करा दिया लिविंग सेल का, और बताओ लिविंग सेल का। सुन लो बेटा, लिविंग सेल का पहला लेटर क्या है, एल। क्या है, एल। एल फॉर लिविंग, एल फॉर बेटा ल्यूवन हुक। क्या, ल्यूवन हुक। इसका पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को नीट को फोड़ना है, काम खत्म। बाकी इसका पूरा नाम फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्या बेटा, एंटोन वॉन ल्यूवन हुक। क्या, एंटोन वॉन ल्यूवन हुक। क्लियर है जितनी बात। उसके बाद और देखते हैं आगे, अभी अभी हमने कहा था बोला जी सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा 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 होता है। भैया ब्राउन कलर कहाँ गया,
ब्राउन कलर तो नहीं दिख रहा, मान ही लेते हैं इसको ब्राउन सा एक बार। मान लो बेटा ये क्या हो गया, ब्राउन कलर का न्यूक्लियस हो गया, मान लिया। है तो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज था, लेकिन कोई नहीं, एक बार तुम भी मान लो, मैं भी मान लेता हूं। क्या है? ब्राउन कलर का न्यूक्लियस इसके अंदर दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं जो कैसा सा सा दिख रहा है, कैसा सा सा दिख रहा है बताओ? ब्राउन कलर का। कैसा बेटा? ब्राउन कलर का। तो इससे क्या हो गया? न्यूक्लियस का नाम याद हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस का नाम याद हो गया। न्यूक्लियस का नाम तो बोला जी याद ही है। याद क्या हो गया? किसने डिस्कवर किया था? बोलो मेरे साथ, रॉबर्ट ब्राउन। क्या? रॉबर्ट ब्राउन। हुआ कि नहीं हुआ भैया? याद हो गया ना, शाबाश। आगे देखो, आगे क्या है भाई? आगे है बेटा, बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, बायोलॉजी को बोल दिया स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, चलो, बायोलॉजी के अंदर क्या लिखा था? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के अंदर तो प्लांट्स की स्टडी भी आएगी और एनिमल्स की स्टडी भी आएगी। मानते हो? एनिमल्स को कहाँ देखने जाते हो? शेर भेड़िए को कहाँ देखने जाते हो? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोल देंगे जी? जूलॉजी। क्या बोल देंगे बेटा? जूलॉजी। और स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोल देंगे बेटा जी? बोटनी। क्या बोल देंगे? बोटनी। अब देखो, इसके साथ साथ बेटा कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको करवाना चाहता हूं, तो आगे आपको पता है बाकी वो सब चीजें, लेकिन एक कहानी समझने के लिए, कहानी की तरह याद करने के लिए उन चीजों को बताई जाए तो ज्यादा बेटर है। देखो बेटा, जो साइंस की स्टडी करता है वो साइंटिस्ट, बायोलॉजी की स्टडी करता है वो बायोलॉजिस्ट, जूलॉजी की स्टडी करेगा वो जूलॉजिस्ट, बोटनी की स्टडी करेगा वो क्या? बोटनिस्ट। मानते हो? ऐसे ही बेटा क्या होते हैं, अलग अलग चीज के अलग अलग स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। क्लियर इतनी बात? अब मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं बेटा आपको कि जैसे बोटनी है, जैसे जूलॉजी है, इनकी स्टडी जब होती है तो कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकलेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सेल ऐसे होता है, सेल ऐसे होता है, सेल ऐसे होता है। मैंने अपने मन से, कोई मेरे सपने में नहीं आया था बेटा, मैंने जोड़ जोड़ के बता दिया। वो बताया था किसी ने, वो बताया किसने था उसके बारे में करेंगे अभी बात। कैसे? देखो बेटा, एक प्लांट की स्टडी करने वाला बेटा एक बंदा था, मतलब क्या बेटा, एक बोटनिस्ट था जो प्लांट्स की स्टडी करता था, जिसका नाम क्या था बेटा आपका? मैथियस स्लीडन। क्या नाम था? मैथियस स्लीडन। इसने बेटा जी 1838 के अंदर, इसने मैथी जो आपका स्लीडन है, इसने 1838 के अंदर एक बात बताई थी। वो बात क्या थी? अब भाई इसका काम क्या बेटा? प्लांट्स की स्टडी करना। प्लांट्स की स्टडी करना। तो बेटा अब ये प्लांट्स की स्टडी कर रहा है तो ये प्लांट्स के बारे में बताएगा। तो इसने बेटा 1838 के अंदर एक बात बताई थी, क्या? कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। आई बात समझ में? अब ये तो हो गया बेटा बोटनिस्ट। इसी की तरह ही बेटा एक जूलॉजी की स्टडी करने वाला भी एक साइंटिस्ट था, उसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? जूलॉजिस्ट। और उस जूलॉजिस्ट का नाम क्या था? थियोडोर स्वान। इसने बस वो 1838 में बात बताई थी, और इसने एक साल बाद यही बात कब बताई थी? 1839। वो प्लांट्स की स्टडी करता था, ये एनिमल्स की स्टडी कर रहा है, तो ये एनिमल्स के बारे में बताएगा। इसने क्या बताया था जी? कि ऑल एनिमल्स। इसने क्या देखा बेटा? इसने ऑब्जर्व किया, इसने बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी की, लेकिन इसने ऑब्जर्व किया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब 1838 में एक ने बात बता दी, 1839 में एक ने बात बता दी, लेकिन बाद में इन दोनों ने डिसीजन लिया कि हम दोनों अपनी बातों को मिला के एक ही लाइन देंगे। अभी अभी बोला था, बोला प्लांट और एनिमल को मिला के टू किंगडम के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं ना जी। तो इन दोनों ने मिलके एक स्टेटमेंट दी बेटा, जिसको क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल,
मेड अप ऑफ सेल। अब ये स्टेटमेंट क्या बेटा कंप्लीट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं? बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। क्यों बेटा? यहां पे क्या लिखा है? मेड अप ऑफ सेल। क्या लिखा है? मेड अप ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया जी? एक सेल। इस लाइन के हिसाब से तो बेटा सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो सच नहीं है, तो इसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा जी? मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ सेल। बोलो सर, सेल कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? भैया सेल चीनी थोड़ी बनाएगा, है ना, सेल तरबूज थोड़ी बनाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है ये समझेंगे। मानो बेटा ये एक सेल है, ये सेल डिवाइड करके, ये सेल यहां से डिवाइड करके यहां पे कितने सेल बना लेता है बेटा? दो। यहां पे सेल कितना था? एक। यहां पे सेल बेटा कितना है? दो। दो से कितना सेल बनेगा? चार। बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएंगे जी, बन जाएंगे। तो सीधी बात है भैया, ये दो सेल किसके प्रोडक्ट है? इस एक का। ये चार सेल प्रोडक्ट किसका है? इन दो का, है ना। तो इसलिए बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब एक सेल से बाद में फलाना दीकड़ा हजारों करोड़ों जितने भी सेल बनेंगे वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस सेल। इसलिए बेटा इस लाइन के अंदर क्या बोला गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। और इसी लाइन को बाद में किसका नाम दे दिया गया जी? सेल थ्योरी का। किसका नाम दे दिया गया बेटा? सेल थ्योरी का। तो अगर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, बल्कि आया तो हुआ है, क्या पता अगले साल या उससे अगले साल आपके पेपर में भी आए, तो क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव सेल थ्योरी, तो आप क्या बोलोगे? सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लीडन एंड सवान। क्या आ जाएगा जी? एक तो आ जाएगा बेटा आपका स्लीडन, और एक क्या आ जाएगा बेटा आपका सवान। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक है जी। अब आते हैं बेटा अगले साइंटिस्ट के ऊपर। भैया रटना मत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, रटोगे ना तो काम बिगड़ जाएगा, फिर कंटिन्यूटी में बात बनेगी नहीं। हाँ, रटोगे नहीं, सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दोगे और रटने को थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो सब कुछ माइंड में सेट हो जाएगा, बढ़िया टाइम निकल जाएगा, ठीक है, आपका भी और मेरा भी। उसके बाद बेटा एक नया साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था जी? रुडोल्फ वर्च्यू। क्या नाम था बेटा? रुडोल्फ वर्च्यू। ये था बेटा लॉर्ड साहब। क्या था? लॉर्ड साहब। कैसे? बोला स्लीडन और सवान ने मिलके बता दिया बेटा। क्या बताया? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये आता है किसके पास? स्लीडन और सवान के पास। कहता है, बोला भैया तुमने एक चीज नहीं बताई। तो स्लीडन और सवान क्या कहेंगे? भैया क्या नहीं बताई? क्या नहीं बताई? बोला तुमने ये नहीं बताया कि नई सेल कैसे बनती है। तो स्लीडन और सवान क्या कहेंगे? कि तुम बता दो। बोला फिर ये जो रुडोल्फ वर्च्यू लॉर्ड साहब है, ये वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि बता दूंगा। स्लीडन और सवान क्या कहेगा? बता दो। वो बताएगा, क्या बताया रुडोल्फ वर्च्यू ने? अभी मेन पॉइंट आया है, अब तक तो वो लहरें थी बस। क्या थी मेन बात? कि नई सेल कैसे बनती है? नई सेल पुरानी सेल से बनती है। बात सीधी सी आ गई, क्या? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, क्या आ जाएगा बेटा जी यहाँ पे? प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आ गया यहाँ पे क्या? प्री एग्जिस्टिंग सेल। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ ही गया होगा, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, शाबाश। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल किससे बनती है? पुरानी सेल से बनती है। अब ये रुडोल्फ वर्च्यू कहता है मेरे को सेल थ्योरी का नाम दो। लेकिन भैया स्लीडन और सवान की बात भी ठीक थी, गलत नहीं थी। तो रुडोल्फ वर्च्यू को हम सेल थ्योरी का नाम तो नहीं देंगे, लेकिन इसको नाम क्या दे देंगे बेटा? हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी का नाम जरूर दे देंगे। इसको नाम दे दिया बेटा किसका? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो आपके पेपर के क्वेश्चन के अंदर अगर ये लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो आप कृपया करके रुडोल्फ वर्च्यू जी का नाम चुनने का कष्ट करें, ताकि आपका सिलेक्शन लेने का कष्ट कोई और करे, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अब देखो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गया, लेकिन एक बात बताओ बेटा, वो पहले वाला पॉइंट इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा? देखो सेल थ्योरी के अंदर पॉइंट एक था। अब तुमने स्प्लेंडर लिया, मैंने स्प्लेंडर लिया, तुमने मान लो स्प्लेंडर के ऊपर बेटा लाल बत्ती लगवा ली, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
कि तुम्हारे वाले को स्प्लेंडर कहें मेरे वाले को साइकिल कहें, रहेंगे तो दोनों स्प्लेंडर, बस एक बात है एक ने मॉडिफिकेशन कर दी, जैसे रिडोल्फ वर्च्यू ने कर दी, उन वाली मॉडिफिकेशन नहीं हुई, पहले वाली थी जो चीज आई थी। तो सेल थ्योरी में क्या बोलोगे जी आप, स्लीडन एंड स्वान, एंड मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर क्या बोलोगे बेटा, रुडोल्फ वर्च्यू। लेकिन मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर वो पॉइंट आएगा ही आएगा जो पहले आपका सेल थ्योरी के अंदर होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो उन्होंने एडिशनल में यूज किया था, तो उसके अंदर वो पॉइंट भी लिखेंगे बेटा, क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्लियर है जी इतनी बात? ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो इसके साथ साथ बेटा एक और सुन लो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है वैसे लैटिन लैंग्वेज के अंदर हमारे रुडोल्फ वर्च्यू जी ने एक टर्म दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी बार क्वेश्चन है, बड़ी बार एनसीईआरटी में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जो आपकी लाइन है बेटा न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसकी अगर लेटिन टर्म को देखा जाता है, इसकी अगर लेटिन टर्म को देखा जाता है बेटा, तो वो क्या बनेगी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बनेगी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये होगी बेटा आपकी लेटिन टर्म किसकी, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल की। इसका मतलब यही है, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म किसने दी थी, तो उसमें भी आप रुडोल्फ वर्च्यू जी का नाम चुनने का कष्ट करें। इतनी बात समझ में आई भाई? ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो बेटा, मैंने बताया था, थोड़ा सा आगे करते हैं, मैंने बताया था बेटा क्या कि जो सेल होता है वो मिलके क्या बनाता है बेटा, टिश्यू। क्या बनाता है, टिश्यू। बोर तो नहीं हो रहे ना, सेल मिलके क्या बनाता है, टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाता है जी बेटा, आपका ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बन जाती है, कंप्लीट बॉडी। ऐसा तो हमने पढ़ा था, लेकिन बेटा मैं अगर एक सेल की बात करूं, क्योंकि हमने सेल के फीचर के अंदर पढ़ा था बेटा कि जो एक सेल होता है वो सारे के सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। कर लेता है मतलब बेटा सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो अलग अलग फंक्शन कर रहा है। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता बेटा कि सेल के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये तो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि सेल से तो मिलके बना है ऑर्गन, तो सेल के अंदर ऑर्गन कैसे हो जाएगा, मानते हो? जैसे इस कमरे के अंदर ये कैमरा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कमरे में कैमरा। लेकिन क्या बेटा मैं इसी चीज को ऐसे बोल सकता हूं कि कैमरे में कमरा, हो गया ना गलत। वैसे ही क्या होता है बेटा, ऑर्गन में सेल तो चलेगा लेकिन सेल में ऑर्गन नहीं चलेगा। लेकिन बेटा सेल के अंदर जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो सेल के अंदर भी छोटे 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 कुछ पार्ट होते हैं, उनको ऑर्गन तो नहीं बोलते लेकिन ऑर्गेनली बोल देना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मजाक का पार्ट, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बेटा, सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ छोटे 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 ऑर्गन होते हैं, जो क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन का काम करते हैं, ताकि सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपना आजादी से अपना महोत्सव, अपने बॉडी के फंक्शन कर सके। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? इतनी बात समझ में आ भी गई तो और भी सुन लो। देखो मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल, इसीलिए साइटोप्लाज्म को क्या बोला था, मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं बेटा, हमने ये ऊपर वाली पद्धति तो पढ़ ली कि सेल से मिलके क्या बना, उससे मिलके क्या बना, उससे मिलके क्या बना, लेकिन बेटा थोड़ा अंदर भी चलते हैं। अंदर कैसे? देखो जी, सेल के अंदर क्या था बेटा, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या था जी आपका, न्यूक्लियस। तो मैं इससे आगे आपको बता दूं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बेटा जी, क्रोमोजोम। क्या होते हैं, क्रोमोजोम। और बेटा क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है बेटा, जीन। क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन।
इतनी बात समझ में आई। सेल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या था? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या था? जीन। डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है, बोला गया। अब एक बात होती है बेटा, न्यूक्लियस है ना, ये चीज है, न्यूक्लियस की बाउंड्री का कोई फंडा नहीं। एक सेल तो ऐसा है, जूम करो बेटा, मान लो ये सेल है, खुद ये जूम कर लो, बताऊंगा नहीं मैं कुछ, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? क्रोमोसोम। मान के चलो ये ऑरेंज, ऑरेंज क्या है? क्रोमोसोम है। ये ऑरेंज, ऑरेंज क्या है? क्रोमोसोम है, जो किससे बंधे हुए हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किससे बंधे हुए हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो एक सेल बेटा कैसा हो गया? एक सेल बेटा आपका ऐसा हो गया जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अब दूसरा आप एज्यूम करो, मान लो बेटा ये सेल है, क्या है? ये सेल है। इस सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम तो होंगे, क्यों? सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक चांस क्या बनता है कि इसके जो क्रोमोसोम है वो क्या है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बंधे हुए नहीं है। मतलब क्या? क्रोमोसोम पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है, तो उसको भी तो हम सेल ही कहेंगे ना, मानते हो? अब इन दोनों सेल के अंदर फर्क क्या है बेटा? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन दोनों सेल के अंदर फर्क क्या है, बस इतना बताओ। इन दोनों सेल के अंदर साफ साफ दिख रहा है बेटा, इस वाली सेल के अंदर तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मानते हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इस साइड में हम क्या बोल सकते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यही बोल सकते हैं ना। यहां पे हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब ये एक सेल टाइप हो गया, ये एक सेल टाइप हो गया, हो गया ना क्लासिफिकेशन। सीधा सीधा लिखेंगे क्या? सिंपल सी बात, नोट बनाते रहना, पढ़ते रहना। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब क्या हुआ बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो प्रेजेंस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो प्रेजेंस है, उसके बेसिस पे हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे क्या? सेल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो वो टाइप जिसके अंदर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। पहले लिख देते हैं हम क्या? एब्सेंट वाली। और दूसरे में हम क्या लिख देंगे बेटा? जिसके अंदर क्या है? प्रेजेंट वाली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी? यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले फीचर्स के बेसिस पे हम सेल को अलग 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 डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। इधर मैं अगर सिंपली लिखूं क्या कि यहां पे लिखा सेल, और सेल को कर दिया मैंने कितने पार्ट में डिवाइड? दो पार्ट में डिवाइड। यहां पे क्या आ गया जी? प्रोकैरियोटिक। किसके बेसिस पे किया ये अभी नहीं लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका? यूकैरियोटिक सेल। क्या आ गया? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को बेटा फर्दर भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक को हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट सेल। एक को हम क्या बोल सकते हैं? एनिमल सेल। अब आप बोलोगे, बोला सर सेल को तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक को हमने क्या बोल दिया था? प्रोकैरियोटिक सेल, और एक को हमने क्या बोल दिया था? यूकैरियोटिक सेल। मानते हो या नहीं मानते? बोल दिया था। लेकिन सर आप हमको अब ये बताओ कि आपने यूकैरियोटिक सेल को दो पार्ट के अंदर कैसे डिवाइड कर दिया? कैसे आपने प्लांट सेल एनिमल सेल को अलग 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 कर दिया? कैसे अलग कर दिया मैं बताता हूं। जैसे बेटा यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस था, वैसे ही यहां भी बेटा एक डिफरेंस होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। क्या होता है जी डिफरेंस बेटा? जैसे सेल की बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो कुछ सेल के अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को हमने क्या बोला था? सेल वॉल। क्या बोला था? सेल वॉल। तो बेटा
प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि हर एक प्लांट सेल के अंदर क्या सेल वॉल बेटा प्रेजेंट होती है, और हर एक एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। बच्चों जैसी बात है, लेकिन अभी एक ट्विस्ट आएगा, क्या आएगा देखते हैं आगे आगे। यहां पे क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। अब बेटे यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या बोला था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, क्या बोला था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या बोला था, वो भी बेटा मैं अलग से लिख ही देता हूं, यहां पे हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। लिख दिया, सारा कुछ अच्छे से कर दिया। ट्विस्ट क्या है वो भी देख लेंगे, ट्विस्ट क्या नहीं है वो भी देख लेंगे। कैसे, देखो भैया ये एनिमल सेल है, मैंने कहा सेल वॉल एब्सेंट है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं सेल बनाऊंगा तो सीधी सी बात है बेटा सेल वॉल तो एब्सेंट ही है, तो इसके अंदर सिर्फ ये और सिर्फ क्या आ गई, एक लेयर आ गई जिसको क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी आउटर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने बेटा क्या लिख दिया, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे अगर प्लांट सेल को बनाया जाए तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और भी वॉल आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो इसकी बाहर वाली बाउंड्री क्या आ गई बेटा, सेल वॉल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। अब याद करने का तरीका बताता हूं, देखो ऐसे ही सीक्वेंस में हर एक बोर्ड का बेटा फ्रेम नेटवर्क फ्रेम स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना, ताकि पेपर के टाइम में अगर वैसे भूल जाओगे, अगर थोड़ा सा भी बोर्ड का स्ट्रक्चर याद आ गया ना तो बड़े निहाल हो जाओगे। कॉपी के अंदर इसी तरीके से लिखने की कोशिश करना जिस तरीके से ऊपर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हो, ऐसा क्यों भी पता चलेगा आपको। देखो एनिमल सेल के अंदर कितनी बाउंड्री, एक भैया। प्लांट सेल के अंदर कितनी बाउंड्री, दो भैया। गिनती आती है ना, एक दो तीन, तो ट्रिक लगा लो, तरीका लगा लो, जुगाड़ा लगा लो, प्रसिद्ध बात है एक दो और तीन। प्रोकैरियोटिक सेल में कितनी बाउंड्री होती है, तीन। बोलो सर तीन, एक तो होगी सेल मेम्ब्रेन, एक होगी सेल वॉल, तो सर ये तीसरी कौन सी आ गई, तीसरी भी आएगी जी। तीसरी कैसे आएगी, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं बेटा, देखेंगे। पहले तो सबसे अंदर ही अंदर वाली कौन सी होगी, अंदर वाली बोलो सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर वाली सेल वॉल। यहां पे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में। ये टॉपिक का नाम आपका क्या है, सेल एनवेलप। कैसे याद हो जाएगा, समझ में आएगा वैसे तो, पर ये समझ में नहीं आएगा कब हो गया। देखो अंदर वाली को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाली को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाली को क्या बोलेंगे, बोला सर शिल्पा, शिल्पा नहीं बोलना है, मेम्ब्रेन देखनी है, वो नहीं कह रहा मैं। अंदर ही अंदर कौन सी, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर वाली कौन सी बेटा, सेल वॉल। अभी अभी हमने जिक्र किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक और होती है, बाहर वाली के अलावा भी एक और होती है। सोचो एक बार, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली, एक और भी प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्लाइकोकेलिक्स। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकेलिक्स। बाकी ये किसी की घर गृहस्थी की कहानी ज्यादा लग रही है मेरे हिसाब से ना, अंदर वाली बाहर वाली, उससे बाहर वाली, उससे बाहर वाली, लेकिन ये सेल का स्ट्रक्चर है तीन लेयर, दो लेयर, एक लेयर। आई बात समझ में, यहां पे तीन होगी, एक सेल मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल और एक ग्लाइकोकेलिक्स, एंड ग्लाइकोकेलिक्स इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। आई बात समझ में बच्चों, इन चीजों को हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पेपर में आ जाएगी, क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, एक आधा ठीक हो जाए, बढ़िया ही बात। अगला देखो, बाकी एक आधा नहीं, आपके सारे ठीक होंगे अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे ना। थैंक यू बोलना, लेकिन सिलेक्शन के बाद, मजाक अपार्ट, सीधी सी बात है, कंटिन्यूटी मैटर करती है। दो ही प्रॉमिस चाहिए, एक कंटिन्यूटी रखेंगे और एक है रटेंगे नहीं। जीरो से लेकर हीरो तक का कंटेंट सारा बोर्ड पे होगा, इस बोर्ड पे विश्वास रखना और एक रटना नहीं है, आगे जिम्मेवारी मेरी या इस बोर्ड की। आगे देखो बेटा, अभी बोला हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था, ग्लाइकोकेलिक्स। यहां पे लिखा बेटा मैंने क्या,
प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था, ग्लाइकोकेलिक्स। बेटा ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो आपका दो फॉर्म के अंदर मिल सकता है, दो फॉर्म के अंदर मिल सकता है, या तो हार्ड फॉर्म में मिल जाएगा या फिर लूज मिल जाएगा, मतलब लूज शीट की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर बेटा वो लूज शीट की फॉर्म में मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लाइम लेयर, और अगर वो हार्ड टफ लेयरिंग की फॉर्म में मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। मतलब कुछ प्रोकैरियोट के अंदर वो कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है और कुछ प्रोकैरियोट के अंदर बेटा वो स्लाइम लेयर की फॉर्म में मिलता है। यहां तक सेल एनवेलप का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक ट्विस्ट की बात कर रहे थे बेटा, एक ट्विस्ट की बात क्या, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना, आज की कहानी के अंदर ही है लेकिन अगर अलग से इसको ना बताया जाए तो लगभग बच्चे गलत कर देते हैं, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आया हुआ है नीट के अंदर, पैरामेडिकल एंट्रेंसेस के अंदर बहुत बार पूछा गया, बोर्ड्स के अंदर भी बहुत बार पूछा गया। क्या बेटा कि बोटनिस्ट प्लांट्स की स्टडी करता है, जो जूलॉजिस्ट है वो एनिमल्स की स्टडी करता है, लेकिन एक बात सोच के देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये किसने बताया कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो आपके दिमाग में आएगा क्या, आएगा दिमाग में, किसने बताया होगा, उसी ने बताया होगा बेटा जिसने प्लांट्स की स्टडी करी होगी, और प्लांट्स की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं, बोटनिस्ट। कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग तो यही होता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, लेकिन बेटा यहां पे ये जो चीज है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये किसी बोटनिस्ट ने नहीं बताया था, ये एक जूलॉजिस्ट ने बताया था, और उस जूलॉजिस्ट का नाम क्या था बेटा, थियोडोर स्वान, जिसने सेल थ्योरी देने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है या प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ये किसी बोटनिस्ट ने नहीं बताया था, ये एक जूलॉजिस्ट ने बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थियोडोर स्वार्ट। क्लियर है, आज हमने क्या क्या कर लिया, सेल का इंट्रोडक्शन कर लिया, ओवरव्यू ऑफ सेल कर लिया, सेल थ्योरी के बारे में कर लिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी के बारे में कर लिया, जनरल ओवरव्यू ऑफ सेल भी थोड़ा सा लिया है, उसके अलावा बेटा हमने क्लासिफिकेशन की है और सेल को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर डिवाइड किया है। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही करेंगे बेटा, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे डिटेल स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, ऐसे ही सीरीज में पूरी सीरीज चलती रहेगी, डेली लेक्चर आते रहेंगे, तो ध्यान रहे कंटिन्यूटी मैटर्स इससे ज्यादा हार्डवर्क से। ठीक, इसी के साथ टाटा टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसके साथ, प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।